Hi everyone, my name is Shyam Bhaseen and welcome back to Investology. So guys, जैसा कि आप लोगों ने मैंने कमेंट सेक्शन को पढ़ा है तो मैं दोनों वीडियोस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। ये वाली वीडियो 3 मिनट से ज्यादा की ऊपर की नहीं होगी, इस पर मैं आप लोगों को एक ब्रीफ बता दूंगा कि अगले दिन मार्केट पे क्या हो सकता है। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि कौन से स्टॉक्स में क्या पैटर्न बन रहा है, क्या रीजन की वजह से मैं दे रहा हूँ, पूरा ओपन इंटरेस्ट का डाटा समझना है आप लोगों को, चार्ट समझने, तो वो वीडियो आप लोगों को 9:30 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। बट ये वाली जो 3 मिनट वाली वीडियो है, जो लोगों को सिर्फ स्टॉक्स के नाम जानना है या छोटा मोटा जानना है, वो ये वाली वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की मार्केट डेफिनेटली गैप अप ओपन हुई एंड उसके बाद हम लोगों ने वहां पर एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा, अपने एग्जैक्टली सपोर्ट लिया और वहां से दोबारा ऊपर बाउंस करी, बट दोबारा एक सेलिंग प्रेशर आया और ऊपर हम लोगों ने देखा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक डबल टॉप क्रिएट होते हुए देखने को मिला। इसके अलावा अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूं तो निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर दोनों के अंदर एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। बट मैंने आप लोगों को अपनी पास्ट वीडियोस में पहले भी बताया था कि अगर ऐसी भी कैंडल ऊपर टॉप पे बन रही है तो भी हमें शॉर्ट नहीं करना। आपको क्लियरली पता है कि मार्केट 3-4 दिन से लगातार ऊपर जा रही है, गैप अप खुल रही है, तो ये छोटा मोटा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर मैं अपने ट्रेडिंग सेटअप की बात करूं तो मेरे ट्रेडिंग सेटअप पे एक सेल सिग्नल तो जनरेट हो गया, बट वो सिर्फ कल के लिए है। सेल सिग्नल जनरेट होने का मकसद ये है कि कल जब मार्केट ओपन होगी तो वो एक गैप डाउन ओपन हो सकती है और वहां से शायद फिर रिकवरी देखने को मिल जाए। ओपन इंटरेस्ट डाटा की अगर मैं बात करूं तो वहां पर जितने भी पुट राइटर्स थे उन लोगों ने पोजीशन से एग्जिट कर लिया है और कॉल राइटर्स सबसे ज्यादा हैवी हो चुके हैं, तो यानी कि ऊपर जाने की जो अपसाइड है वो बहुत लिमिटेड है 2 दिन के अंदर, तो ये चीज को भी आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अभी मैं आपसे कहूंगा कि देखिए मार्केट अब गिरी है जाके, एक हफ्ते के ट्रेंड के बाद जाके अब मार्केट गिरी है, तो कल थोड़ा सा कॉशियसली करना, मतलब कल तो ट्रेड करो ही मत मेरे हिसाब से। मैं तो आप लोगों को यही फेवर में बताऊंगा कि कल कोई भी स्टॉक्स पे ट्रेड मत करो, कोई भी निफ्टी इंडेक्स के अंदर ट्रेड मत करो, सिर्फ कल मार्केट को ऑब्जर्व करो कि मार्केट क्या और नीचे गिरती है। अगर नीचे जाके क्लोजिंग मिलती है तो हमारे लिए इंडिकेशन अलग होगा, तब हम लोग अलग फैक्टर के ऊपर जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं तब भी 3 स्टॉक्स में आप लोगों को बता देता हूं, 3 स्टॉक्स पे आप लोग अपनी नजर जरूर रख सकते हैं, बट मैं कहूं तो ट्रेड करने की कोशिश अभी मत करिएगा। ठीक है, सबसे पहला है क्विज तो खुद पर्सनली मैं कल या फिर परसों ले लूंगा, कल तो मैं डेफिनेटली अगर मेरे लेवल पे मिलता है तो मैं ले लूंगा, वो लेवल्स मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे तो डेफिनेटली बता दूंगा। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो वो 9:30 बजे आ जाएगी। दूसरा हमारा स्टॉक है एमटारटेक हमारे लिए शॉर्ट है, कल हम लोग उसे शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। तीसरा है हमारे पास मेट्रोपोलिस एंड फोर्थ है हमारे पास नजारा टेक, ये 4 है, मतलब 3 ऑलरेडी बाय हैं, एक मैंने शॉर्ट के लिए दे दिया। अगर बाय चांस कल मार्केट गिरती है तो इस स्टॉक के अंदर हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल वीडियो जानने के लिए आप हमें 9:30 हमारे वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।